तस्वीरें भिवानी की हैं, जहां भिवानी के लाल नलिन नरवाल नौसेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने घर लौटे हैं। घर लौटने पर ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नगर परिषद के चेयरमैन रणसिंह यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और नलिन नरवाल को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नलिन ने लेफ्टिनेंट बनकर भिवानी जिले का नाम रोशन किया है और नलिन दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बना है। आगे उन्होंने कहा कि हर बच्चा ऐसे आगे आए, हम हर बच्चे का ऐसे स्वागत व सम्मान करेंगे। देखिए, आज हमारे इस भिवानी शहर का सौभाग्य है कि इतना अच्छा पद पर नेव में सब लेफ्टिनेंट के पद पर जाना बहुत ही एक प्राउड फील होता है मेरे को भी, क्योंकि मैं भी एक्स नेवी हूँ। और आज इस बच्चे ने, जो मेरे दोस्त का भांजा भी है, आज इस बच्चे ने जो शहर का नाम रोशन किया और सभी शहरवासियों ने खुश होकर के इतना अच्छा इनका भव्य स्वागत किया, मैं चाहता हूँ कि हर बार ऐसे ही अगर हमारे बच्चे सक्सेस होते हैं तो हमें सभी का स्वागत करना चाहिए। और मैं पूरे शहर की तरफ से इस बच्चे को आशीर्वाद और बधाई देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। और सभी मेरे जो छोटे युवा बच्चे हैं उनसे भी, इनको देख करके सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, या और जो हमारे अफसर्स हैं उनको देख करके प्रेरणा लेनी चाहिए और निरंतर इसी प्रकार से हमारा सर ऊंचा करते रहे, हमारे भिवानी जैसे शहर का सर ऊंचा रहेगा, जिससे हमें भी प्राउड फील होगा। वहीं लेफ्टिनेंट बने नलिन नरवाल और उनके पिता ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। नेवी ज्वाइन करने की प्रेरणा तो मुझे मतलब आसपास का एनवायरनमेंट था, जहाँ मैं कॉलेज में पढ़ता था, बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर, टीवी, इन सब में आता था इनका एडवर्टाइजमेंट, मतलब खुद ही तैयारी करता था वहाँ पे। तो हो गया, खुश था, परिवार वाले भी काफ़ी खुश थे मेरे, तो बस वही था। ट्रेनिंग करके मई में पास आउट हुआ था मैं अभी, उसके बाद पहली बार अभी छुट्टी आए। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, क्योंकि आमतौर पर जो लड़के होते हैं वो IAS UPSC की परीक्षा पास करना चाहते हैं या खेलों में जाना चाहते हैं, तो देश सेवा का जज्बा आप में कहाँ से जाता है? ये मतलब कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है, आसपास की काफ़ी चीज़ों को देख के वो है कि काफ़ी पहले से था कि करना है मेरे को IAS YAS का था प्लान सेकेंडरी, इन प्राइमरी यही था डिफेंस ज्वाइन करने का। तो डिफेंस में काफ़ी खतरा भी होता है, क्या उससे डर लगता है या देश सेवा का जज्बा जो है वो आगे रहता है? खतरा तो हर जगह ही है, खतरे का क्या, देख लेंगे खतरा तो होगा, बाकी देश सेवा का जज्बा ज़्यादा ऊपर है खतरे से। तो दूसरे आपके साथी हैं, दूसरे बच्चे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, कैसे वो आपकी तरफ ना, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कोई, जो अपने पैशन को फॉलो करें सब, कि मेरी तरह बने, या सबका अपना आइडल होता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है वो, तो सब अपने आइडल को फॉलो करें, उसकी अकॉर्डिंगली हार्ड वर्क करें सब, बस वही मेरी अपील है। तो क्या कहेंगे, इसमें कितनी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे बच्चे भी उसकी तरह? पढ़ाई की ज़रूरत तो हर जगह ही है, मतलब इसमें थोड़ी यूँ है कि कुछ फिक्स वो नहीं है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड भी इतना टेस्ट होता है कि रट्टा मार के नहीं आप कर सकते, तो बस वही है, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस जो भी टेस्ट वगैरह। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने अपना जो इसका अपना गोल था वो अचीव किया और ये इसी लाइन पे आगे बढ़े, और दूसरे बच्चों से भी अपील है कि वो अपना एक कोई भी ऑब्जेक्टिव तय करके उसके ऊपर मेहनत करें, काम करें, लगातार करें, और अपना गोल को उम्मीद है कि अचीव कर लेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए टाइम ज़रूरी है। और आमतौर पर बच्चे जो अपने माता पिता का जो प्रोफेशन होता है उसी को चुनते हैं, आपके बेटे की लाइन में बिल्कुल अलग है, तो इसको कहाँ से प्रेरणा मिली है? बस ये प्रेरणा मेरी भी समझ से परे है कि इसको कहाँ से मिली, लेकिन इसने जो सोचा वो पूरी हुई, इसमें बड़ी खुशी है। तो किस लिए इस लाइन में आए हैं, अपने नौकरी के लिए आए या देश सेवा के लिए आए? बस मैं तो आजकल, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, नौकरी भी ज़रूरी है और देश सेवा भी ज़रूरी है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ के लिए कोई काम किया जाता है, तो दोनों चीज़ें अपना ध्यान में रख के आगे बढ़े, अपना करियर को फॉलो करें, और ओबीसी बात है कि देश सेवा बढ़ के सबसे पहली चीज़। लेफ्टिनेंट बने नलिन नरवाल ने कहा कि देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, और खतरा तो हर जगह है, खतरों से घबराना नहीं चाहिए। वहीं बेटे के लेफ्टिनेंट बनने की खुशी पर उनके पिता सुरेंद्र नरवाल ने कहा कि आज उनका बेटा लेफ्टिनेंट बना है तो उन्हें उसकी बहुत खुशी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने नलिन नरवाल को सम्मानित किया। हरियाणा हमेशा वीरों की जन्मभूमि रही है, ऐसे में नलिन नरवाल ने वीरों से प्रेरित होकर नौसेना को चुना है, देशभक्ति को सर्वोपरि बताया है, और उसके लिए आज भिवानी के लोगों ने उसका स्वागत किया है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।